हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ओरिजिन वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्म फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमस के काफ़ी करीब ऑटोबॉट कमांडर और बोली तो ऑप्टिमस के भाई अल्ट्रा मैग्नस के ओरिजिन की। क्या आपको पता है कि अल्ट्रा मैग्नस ऑप्टिमस प्राइम के भाई भी रह चुके हैं? अगर आपको ये शुरुआती फैक्ट अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और चलिए आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा मैग्नस के ओरिजिन के साथ। अल्ट्रा मैग्नस का मीनिंग है अल्ट्रा मैन मौत। अल्ट्रा मैग्नस अपने आप को सिर्फ एक सोल्जर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं समझते। वैसे तो वह बहुत ही ज़्यादा काबिल योद्धा और देखी जाए तो एकदम स्ट्रॉन्ग, रिजोल्यूट और डिपेंडेबल सेल्फलेस रोबोट हैं, लेकिन वह अपने आप को यह कुछ भी नहीं मानते। उन्हें अपने आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह सिर्फ ऑर्डर लेना जानते हैं, किसी को ऑर्डर देना नहीं जानते। वैसे तो वह रैकर्स के कमांडर भी रह चुके हैं, लेकिन वह बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से बचते रहते हैं। अल्ट्रा मैग्नस का जन्म भी वेल ऑफ फॉलिस पार्क से एज ऑफ ओरिजिन्स के वक्त ही हुआ था। तब सब रोबोट जन्म ले रहे थे, तभी अल्ट्रा मैग्नस का जन्म हुआ था। वह शुरुआती तौर पर एक ट्रैकर्स के एक मेंबर बने थे, लेकिन जल्दी ही वह उसके कमांडर भी बन गए। लेकिन वह बहुत बाद की बात है। रैकर्स एक ऐसा ग्रुप था जो कि साइबरटोनियंस के जो गुंडे थे, जैसे कि रेजर्स, ब्रीकर्स और वेंडल्स, उन जैसे बैंडिट्स को काफ़ी ज़्यादा रोकते थे और उन्हें यहाँ तक कि कभी कभी मार भी देते थे। एज ऑफ रेथ के दौरान जब क्विंटेंसन साइबरटोन पर आए थे और उन्होंने साइबरटोनियंस को नई सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराया था, तब अल्ट्रा मैग्नस ने रैकर्स का जो बैंड था वो छोड़ दिया था और वह सेंटिनल जेटा प्राइम के पास चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने सेंटिनल जेटा प्राइम के कहने पर एक पुलिस फोर्स का निर्माण किया था और उसे ही अल्ट्रा मैग्नस ने खुद संभाला था। लेकिन शुरुआती दिनों में सेंटिनल जेटा प्राइम की बात कोई भी नहीं मानता था, लेकिन अल्ट्रा मैग्नस एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने सेंटिनल जेटा प्राइम की बात मानी थी। ड्रीम वेव जीवन कंटिन्यूटी में 6.5 मिलियन साल पहले, जब अल्ट्रा मैग्नस के भाई ऑप्टिमस प्राइम और डिसेप्टिकॉन के लीडर मेगाट्रॉन अचानक से स्पेस बेस के द्वारा गायब हो गए थे, तब ऑटोबॉट्स की कमान को अल्ट्रा मैग्नस के हाथों में दे दिया गया था। लेकिन अल्ट्रा मैग्नस फिर भी अपने आप को यही समझते थे कि वह उसके लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए शुरुआती तौर पर मना कर दिया। लेकिन वह 0.5 मिलियन ईयर्स बाद वापस लौटे और उन्होंने ऑटोबॉट्स की कमांड को हाथ में लिया, लेकिन तब तक ऑटोबॉट्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। लेकिन कैसे ना कैसे अल्ट्रा मैग्नस ने सारे ऑटोबॉट्स को इकट्ठा किया और साइबरटोन की एक एक करके सारी सिटीज़ को कैप्चर करते गए। लेकिन उनकी जीत तो तब निश्चित हुई थी, तब डिसेप्टिकॉन्स के शॉकवेव और रेडबैट अल्ट्राकॉन्स जो थे, उन्होंने अल्ट्रा मैग्नस के सामने सरेंडर कर दिया था। ट्रांसफॉर्मर्स की जीवन कंटिन्यूटी में अल्ट्रा मैग्नस ऑटोबॉट सिटी के कमांडर अपॉइंट हुए थे। ऑटोबॉट सिटी की बैटल के दौरान वह अपने ट्रूप्स को काफ़ी सारे ट्रूप्स को वह बचा नहीं पाए थे और उनके ज़्यादातर ट्रूप्स मारे गए थे, लेकिन कैसे ना कैसे वह बच गए और यहाँ तक कि उस वक्त ऑप्टिमस प्राइम भी मारे गए थे। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम ने अपनी जो मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप थी वह अल्ट्रा मैग्नस को दे दी। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ने अल्ट्रा मैग्नस को प्राइम नहीं माना, क्योंकि अल्ट्रा मैग्नस में काफ़ी ही ज़्यादा कमियाँ थी, तो जिसकी वजह से मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ने दूसरे ऑटोबॉट का चयन किया था प्राइम बनने के लिए, जिसका नाम था रोडिमस। जब रोडिमस प्राइम बने तो उन्होंने अल्ट्रा मैग्नस को सेकंड इन कमांड की पोजीशन पर रिक्रूट किया था, यानी कि ऑटोबॉट के कमांडर की पोजीशन पर। लेकिन कुछ सालों बाद जब हीट प्लेग फैली थी साइबरटोन पर और जिसमें कि ऑप्टिमस फिर से रिवाइव हो गए थे, तो रोडिमस प्राइम ने वापस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ऑप्टिमस प्राइम को ही दे दी थी। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज में अल्ट्रा मैग्नस ऑप्टिमस प्राइम के सेकंड इन कमांड रहे थे साइबरटोन के वॉर के वक्त, और वह एक एलाइड गार्ड थे। ऑप्टिमस प्राइम ने अल्ट्रा मैग्नस को रैकर्स को हेड करने के लिए चुना था, लेकिन जैसे ही अल्ट्रा मैग्नस ने रैकर्स की कमान संभाली थी, तभी उनके एक मेंबर यानी कि ग्रुप जेड ने रैकर्स की ग्रुप को रोक दिया था। ग्रेट एग्जोडस के बाद अल्ट्रा मैग्नस अपने शिप में इधर उधर घूमते रहे और ऑटोबॉट्स के खिलाफ में, लेकिन ज़्यादातर ऑटोबॉट्स सच्चे बॉक्स के हाथों मारे गए थे। फिर वह प्लैनेट अर्थ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें आर्मी का सिग्नल मिलता है नज़दीकी ऑटोबॉट का, और फिर वह सारे ऑटोबॉट्स के साथ यूनाइट होकर मेगाट्रॉन पर हमला करते हैं। हे गाइस, आई होप आपको अल्ट्रा मैग्नस के ओरिजिन के बारे में सारी बातें पता चली होंगी। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ओरिजिन के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर और चैनल की सारी वीडियो देखें। टाटा, गुड बाय।